लोगों ने कहा ऐसा ऐसा है, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो जा रहा है। वो आदमी बैठ गया सड़क के किनारे रोने लगा। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो यही रोने लगा। हम लोग चुप करने लगे, अरे भाई साहब चुप रहिए चुप रहिए। कुछ देर में आंख ऐसा ऐसा करते वो उठा और उसने क्या कहा, हे बाबा साहब आप पुनः आ जाइए, पुनः आके हमारा आरक्षण बचा लीजिए। तब हम लोगों को समझ में आया ये इसलिए नहीं रो रहा था, ये इसलिए रोने लगा अगर पुनः बाबा साहब अम्बेडकर आ जाएंगे तो जो मेरे बच्चे हैं इनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। मैं तो डॉक्टर बन गया, मेरे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे। इसका मतलब ये कुछ करना नहीं चाह रहा है, बाबा साहब को इसीलिए बुलाना चाहता है। साथियों प्रकृति का नियम है, जो आता हो चला जाता है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है और बाबा साहब ये जिम्मेदारी दे के गए हैं, हमें वो पूरा करना चाहिए। समय बाबा साहब अकेले थे, आप तो हम लोग बहुत लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं। अगर जिस दिन हमारा समाज ये सोच लेगा, उठ खड़ा होगा, बाबा साहब अम्बेडकर को मिशन पूरा करने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। प्रत्येक ने समाज की बात बता देना है, समझा देना है। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने ऑर्गेनाइजर साथियों को, इन लोगों ने इस प्रकार से कार्यक्रम किया, इतना अच्छा कार्यक्रम किया, लोगों को बुला के समझाने बताने का काम कर रहे हैं। क्योंकि साथियों एक लेखक ने लिखा है, डेड अम्बेडकर इज मोर डेंजरस देन लाइव अम्बेडकर। इसका हिंदी है, मरे हुए अम्बेडकर ज्यादा खतरनाक हैं जिंदा अम्बेडकर की तुलना में। अब प्रश्न ये समझने की है, जो आदमी जिंदा हो खतरनाक है, अब जो है ही नहीं वो कैसे खतरनाक है? भाई जब बाबा साहब अम्बेडकर थे, इस बड़वादी व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था के लिए खतरनाक थे, आज वो तो है नहीं, फिर कैसे खतरनाक है? तो उन लोगों ने हम लोगों के लिए नहीं लिखा, अपने पीढ़ियों के लिए लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर के ना रहने से मत सोचो खतरा टल गया है, बरकरार है। कैसे बरकरार है? क्योंकि साथियों बाबा साहब अम्बेडकर इतना ज्यादा विजिलेंट थे अपने जीवन में, वो जानते थे मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी अपनी बातें किताबों के रूप में, साहित्य के रूप में लिख के रखा। और आज जो हम लोगों को मिल रहा है वो इसी लिटरेचर को, साहित्य को पढ़ने की वजह से मिल रहा है। अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में आज भी जिंदा हैं, अपने विचार के माध्यम से, अपने किताबों के माध्यम से। तो बाबा साहब के विचार क्रांति के विचार हैं, समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय के विचार हैं, जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने डाल दिया वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार है। अगर ये समाज में स्थापित हो जाए, समाज में हम लोग फैला ले जाए, तो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर के ना रहते हुए भी क्रांति हो जाएगी और इस देश में समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पे आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। साथियों तो कहने का मतलब है वो विचार फैलाना होगा। आइडिया रूल्स ओवर द सोसाइटी नॉट पर्सन, विचार शासन करता है व्यक्ति नहीं करता। इसलिए जिसकी विचारधारा समाज में स्थापित होती है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पे उसका नियंत्रण होता है। जैसे मोबाइल हमारी है तो क्या हुआ अगर हमारा उसमें सिम नहीं लगा हुआ है, सिम दूसरे का लग गया, मोबाइल हमारी है तो नेटवर्क दूसरे का पकड़ लेगा, जब नेटवर्क दूसरे का पकड़ेगा तो उधर ही हमारा समाज चला जाता है। तो आज हमारे लोगों का जो नेटवर्क लगा है, लोग हमारे हैं, जन हमारा, भाई हमारा है, उसका दिमाग हमारा नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। सिम दूसरा लग चुका है, टावर दूसरे तरफ पकड़ लेता है। अगर हम लोग साहू अम्बेडकर फूले की विचारधारा नामक रूपक जो सिम है, अगर अपने लोगों में फीड कर दे, नेटवर्क इधर पकड़ेगा, नेटवर्क इधर पकड़ेगा, तो आप यहाँ बैठोगे, जब यहाँ पकड़ लेगा ज्यादा लोगों को पकड़ लेगा, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा फैल जाएगी। और जैसे ये विचारधारा फैल जाएगी, इस देश में क्रांति होगी और समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय पे आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। साथियों हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसा इच्छा व्यक्त करता हूँ। और बड़े पैमाने पर यह काम हो रहा है, आप लोगों को भी साथ में लग जाना चाहिए। क्योंकि साथियों यदि लड़ते लड़ते मर जाए,
यदि लड़ते लड़ते भी मर गए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, यदि लड़ते लड़ते मर भी गए तो आने वाली पीढ़ियां बदला ले लेंगी, यदि गुलामी में मर गए आने वाली हजारों पीढ़ियां गुलामी में पैदा हुई, तो गुलामी में मरे जब गुलामी में पैदा हुए जरूर, गुलामी में मरेंगे नहीं, ऐसा प्रण करते हुए, ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के इस जयंती समारोह के अवसर पे मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।